Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the infinite knowledge hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello everyone, हमने पिछली क्लास में रिसोर्सेज के बारे में पढ़ लिया था, उसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर लिया था, हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ लिया था, हमने एक्चुअल और पोटेंशियल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम उसके आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। अगला जो टाइप है रिसोर्सेज का वो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। देखिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब होता है ऐसे रिसोर्सेज जिन्हें बार बार यूज़ किया जा सकता है, एक बार यूज़ करने के बाद उसे वापस अगले दिन अगले समय भी यूज़ किया जा सकता है। नॉन रिन्यूएबल का रिसोर्सेज का मतलब जिन्हें बार बार यूज़ नहीं किया जा सकता। एक एग्जांपल के साथ समझिए आप इसे, नॉन रिन्यूएबल से स्टार्ट करते हैं। आपने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया 1 लीटर, आपकी गाड़ी एवरेज देती है 40 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से। आप 40 किलोमीटर गए गाड़ी लेकर, आपने गाड़ी की टंकी को खोल के देखा, उसमें पेट्रोल था नहीं था, क्या उस पेट्रोल को वापस लाया जा सकता है? नहीं लाया जा सकता, आपको नया पेट्रोल डालना पड़ेगा गाड़ी की टंकी के अंदर। इसका मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिन्हें वापस क्रिएट नहीं किया जा सकता, एक बार यूज़ हो गए उसके बाद वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। जबकि रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जो एक बार यूज़ करने के बाद अगले दिन या अगले समय भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक सोलर कुकर है, सोलर कुकर आता है कुछ इस तरह से, इसके ऊपर एक सोलर पैनल लगा हुआ होता है, अंदर कुछ भी सामान खाने का डालिए, पानी डालिए और वो उसको गर्म कर देगा, पका देगा। तो आपने एक दिन उससे बनाया, धूप में रखा, बन गया, अगले दिन भी तो धूप आएगी, सन की एनर्जी आएगी, सनलाइट आएगी, तो वो ख़त्म थोड़ी हुई सनलाइट, वो तो बार बार आ रही है, रात के समय नहीं आती, दिन के समय वापस आ जाएगी। तो ऐसा रिसोर्स कैसा हुआ? रिन्यूएबल रिसोर्स। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, दोज विच कैन बी गेट रिन्यूड और रेप्लेनिश्ड क्विकली। रेप्लेनिश मतलब वापस से उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे सोलर पैनल है, जब तक सूरज की रोशनी आपके सामने वो काम करेंगे। आपने विंड पैनल देखे होंगे, आपने सोलर पैनल देखे होंगे, ये सारे किसके ऊपर डिपेंडेंट है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर। हवा लगातार चलती है, कॉल्ड एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दे आर ऑल्सो कॉल्ड इनऑक्जिस्टेबल रिसोर्सेज। इनऑक्जिस्टेबल मतलब जिसे एग्जॉस्ट नहीं किया जा सकता, जैसा कोयला लिया आपने, उसको जलाया, कोयला क्या बन गया? राख। क्या उस राख से आप वापस कोयला बना सकते हैं? नहीं बना सकते। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्सेज का सबसे सिंपल एग्जांपल सोलर एंड विंड एनर्जी। आपने देखा होगा सोलर पैनल्स लगे होते हैं कई घरों में, वहाँ बिजली बनाते हैं सोलर पैनल। तो ऐसा तो है नहीं कि एक बार बना ली बिजली उसके बाद वापस बनेगी नहीं इलेक्ट्रिसिटी, नहीं ऐसा नहीं है। अगले दिन वापस सूरज आएगा, वापस सोलर एनर्जी होगी, वापस से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा। और जबकि आप जनरेटर देखिए, जनरेटर भी जो होता है वो भी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, पर जनरेटर में डीजल डालते हैं और जितना डीजल डालेंगे वो उतनी इलेक्ट्रिसिटी देगा। ऐसा नहीं है कि उस डीजल को बार बार यूज़ किया जा सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब जो डीजल है या डीजल जनरेटर है वो रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल में आएगा, और जो सोलर पैनल से चलने वाली इलेक्ट्रिसिटी है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आएगी। नॉन रिन्यूएबल के बारे में वापस पढ़ लेते हैं, दोज विच हैव ए लिमिटेड स्टॉक। स्टॉक लिमिटेड है, मैंने आपको बताया था कि पेट्रोल जो है इस अर्थ में, अर्थ की क्रस्ट में लिमिटेड में है, इसको बनने में हजारों साल लगे थे और वापस बनने में भी हजारों साल लगेंगे, तो जितना बन चुका है उतना ही हम यूज़ कर सकते हैं, इसे बनाया नहीं जा सकता। एक कह सकते हैं कि हम क्विकली तो नहीं कर सकते, जल्दी से जल्दी तो नहीं बना सकते, बनने में इसे समय लगेगा। वंस द स्टॉक्स आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक 1000 ईयर। देखिए मैंने जैसा कहा था वैसे ही, 1000 ईयर्स, कितने साल लगेंगे? 1000 ईयर्स लगेंगे वापस पेट्रोल बनने में। बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड आर कॉल्ड एज
non-renewable resources. They are also called exhaustible resources. In a inexhaustible, exhaustible. Inexhaustible, जिन्हें exhaust नहीं किया जा सकता, exhaustible, जो खत्म हो सकते हैं. Example, non-renewable का coal, petroleum, natural gas. क्योंकि ये हमारे अर्थ में एक लिमिटेड क्वांटिटी में, इनका हमने एक बार एग्जॉस्ट कर लिया तो इन्हें बनने में कितने साल लगेंगे, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगेंगे. एग्जांपल देखिए, विंड एनर्जी, रिन्यूएबल रिसोर्स, हाइड्रो पावर, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास, ये सभी किसके एग्जांपल है, रिन्यूएबल एनर्जी के. नॉन रिन्यूएबल, ऑयल, कोल, न्यूक्लियर, नेचुरल गैसेस, दीज आर लिमिटेड. इनका स्टॉक कैसा है, लिमिटेड है, इन्हें वापस बनाया नहीं जा सकता, जबकि इन्हें वापस यूज किया जा सकता है. यूबिक्विटस रिसोर्सेज, लोकलाइज्ड रिसोर्सेज. यूबिक्विटस रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जो फाउंड एवरीवेयर, ऐसे रिसोर्सेज जो हर जगह पर मिलते हैं. यूबिक्विटस रिसोर्सेज आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ. आप कहीं पे भी चले जाइए, ये रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल लैंड, आप अर्थ के किसी भी पार्ट में चले जाइए, आपको लैंड मिल जाएगा. वो तो कौन सा रिसोर्सेज हुआ, यूबिक्विटस. वाटर, सहारा रेगिस्तान में होगा पर बहुत मुश्किल से मिलेगा, पर मिल जाएगा आपको. एयर, ये तो सब जगह है, अर्थ के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको मिल जाएगा. तो ये कौन सा रिसोर्स हुआ, यूबिक्विटस रिसोर्सेज. लोकलाइज रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जो एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही मिलते हैं, तभी तो वर्ड लिया है लोकल. ऐसे रिसोर्सेज जो एक पर्टिकुलर प्लेस पे फाउंड होते हैं. फाउंड ओनली ए सर्टेन प्लेसेस लाइक कॉपर एंड आयरन ओर. अब पेट्रोल सब जगह नहीं मिलता ना, पेट्रोल पंप पे मिलता है, पर अर्थ के क्रस्ट में जो पेट्रोल है वो सब जगह तो नहीं मिलता, नहीं तो लोग सब जगह से डिग अप करके अपने घर में पेट्रोल रख लेते. ये तो वहीं मिलता है जहाँ पर पेट्रोल की अवेलेबिलिटी होती है, ठीक है ना, जहाँ पेट्रोल्स की जो होते हैं, जहाँ पेट्रोल के कुएं मिलते हैं वहीं पर पेट्रोल मिलता है. तो ये कैसे रिसोर्स हुए, लोकलाइज रिसोर्सेज, ठीक है. कॉपर आयरन भी हर जगह नहीं मिलता, आपने सुना होगा कॉपर माइंस है, आयरन माइंस है, गोल्ड माइंस होती है. अब ये माइंस सब जगह थोड़ी है, एक पर्टिकुलर प्लेस पे है, एक सर्टेन प्लेस पे है, इसलिए इन्हें कैसे रिसोर्सेज कहा गया है, लोकलाइज रिसोर्सेज. एग्जाम्पल देखिए आप, एयर, यूबिक्विटस का एग्जाम्पल एयर, सबसे सिंपल सा एग्जाम्पल है. ऐसा एग्जाम्पल आप दिमाग में रखेंगे तो इजीली होगा याद करना. यूबिक्विटस का एक एग्जाम्पल दिमाग में रख लीजिए, एयर. अच्छा, एयर, एयर सब जगह है, तो कौन सा रिसोर्स हुआ, यूबिक्विटस रिसोर्स. कॉपर एंड आयरन, आप गोल्ड याद रख लीजिए, गोल्ड माइंस, सोने की खदानें, सब जगह नहीं है. इट मीन्स वो कौन सा, कैसा हुआ, लोकलाइज रिसोर्सेज. क्लास आज हमने रिसोर्सेज के अदर टाइप्स के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, हमने नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, हमने यूबिक्विटस रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, और हमने लोकलाइज रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस किया. नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे. अभी तक के लिए थैंक यू. Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.